गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग वाटर टर्बाइन्स एंड पंप्स। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स एंड न्यूमैटिक्स। अब वाटर टर्बाइन्स एंड पंप्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब ये जो टर्बाइन्स हैं, ये क्या करती हैं? पावर जनरेट करती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पर्पज़ के लिए काम आता है। और हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टर्बाइन्स कौन कौन सी होती हैं। फ्रांसिस टर्बाइन क्या होती है, कैप्लन टर्बाइन क्या होती है, पेल्टन टर्बाइन क्या होती है, कैसे ये वर्क करती हैं, कैसे प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसमें इंक्लूड होता है, पंप्स का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, पंप्स क्या होते हैं, पानी के प्रेशर को तेज़ करता है। तो ये सब चीज़ें जो है वाटर टर्बाइन्स एंड पंप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं वो मशीन्स जो कन्वर्ट करती हैं हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो ये हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? जैसे कि डैम्स में पानी स्टोर होता है, तो जब पानी डैम पे उस पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो वो पानी को वो जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसको रेजरवायर बोलते हैं। और फिर पानी को छोड़ा जाता है, और वो जो पानी है पेनस्टॉक्स के ज़रिए, पाइप्स के ज़रिए टरबाइन से बहुत हाई वेलोसिटी से टकराता है नोज़ल के थ्रू। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उससे फिर क्या होता है, टर्बाइंस बहुत तेज़ी के साथ रोटेट करती हैं, फिर वो पावर जनरेशन के काम आती हैं, या ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मशीन्स जो कन्वर्ट करती हैं हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम टर्बाइंस बोलते हैं। लेकिन जो मशीन्स कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, उसको हम पंप बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है टर्बाइंस और पंप्स में। टर्बाइंस जिसमें हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और पंप्स क्या होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम टर्बाइंस के कंसेप्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टर्बाइंस जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम टर्बाइंस बोलते हैं। ये जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, इसका यूटिलाइज क्या होता है, ये क्यों, कहाँ पे इसका यूटिलाइज होता है? ये यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करने के लिए। अब जब इलेक्ट्रिक जनरेटर रन होता है, तो वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसको जोड़ा जाता है शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन से। जब इलेक्ट्रिक जनरेटर रन करता है, तो शाफ्ट जो टर्बाइन की शाफ्ट होती है वो रोटेट करना शुरू कर जाती हो जाती है। जब शाफ्ट रोटेट करना शुरू करती है, तो टर्बाइन चलता है, जिससे इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक पावर जो ऑब्टेंड की जाती है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी से ऑब्टेंड की है। मतलब जो डैम में पानी स्टोर था, रेजरवायर था, उस जब पानी उसका लेवल डैम पे बढ़ जाता है, तो जब पानी हम छोड़ते हैं पेनस्टॉक्स के ज़रिए, वो जो क्या करती है, वो फिर नोज़ल के थ्रू निकलती है, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ बकेट्स पे टकराती है, बकेट्स फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर रन होता है, टर्बाइन शाफ्ट रोटेट होती है, टर्बाइन रोटेट होती है, फिर वो जो है हाइड्रोलिक एनर्जी के थ्रू जो ये पावर प्रोड्यूस हुई है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है। एंड द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वाटर, ये जो सिस्टम हमने लगाया है, जनरेटर ने को शाफ्ट से जोड़ा है, शाफ्ट रोटेट होगी फिर टर्बाइन रोटेट होगा, ये जो सिस्टम सारा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, जिससे इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस हुई है पानी के थ्रू, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया है, इसका मकसद क्या था, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है टर्बाइन का, कि कैसे इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है, कैसे एक सिस्टम वर्क करता है। अब हमने इस डायग्राम को, जब आपको टर्बाइन्स के बारे में पूछा जाएगा, तो आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। ये होता है हमारे पास डैम, और यहाँ पे हमने पानी स्टोर किया हुआ है, और जहाँ तक पानी स्टोर है उसको हम बोलते हैं हेड रेस, और जो टेल रेस जहाँ पे रिवर है, जहाँ पे पानी जाएगा पेनस्टॉक्स के ज़रिए जहाँ तक हमने पानी पहुँचाना है, उसको हम टेल रेस बोलते हैं।
ये होती है ग्रॉस हेड। जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए जब हम यहाँ पे वॉल्व लगाते हैं, ये वॉल्व जो हम ओपन करते हैं, तो पानी जो है ये पेनस्टॉक्स के ज़रिए, पाइप्स के ज़रिए यहाँ से जाता है, और यहाँ पे नोज़ल लगी है। नोज़ल क्या करता है कि ये पानी को बहुत हाई वेलोसिटी, बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ आगे रन करता है, और ये जो पानी है ये बकेट्स लगी हुई हैं, ये पानी जो है ये बकेट्स में फिल हो जाता है। फिर जब इलेक्ट्रिक जनरेटर रन करता है, तो ये टरबाइन की जो शाफ्ट है ये भी रन करती है। इससे क्या होगा कि ये बकेट्स भी रोटेट होना शुरू हो जाएंगी, इससे इलेक्ट्रिक पावर जो है प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास जो है सिस्टम होता है कि कैसे एक वर्क करता है कंसेप्ट ऑफ टरबाइन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशंस। अब ग्रॉस हेड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल एंड द टेल रेस लेवल व्हेन नो वाटर इज फ्लोइंग इज नोन एज ग्रॉस हेड। अब हमारे पास ये डायग्राम थी, ठीक है, हमने देखा था कि ये हेड रेस है और ये टेल रेस है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा हेड रेस और टेल रेस के, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस हेड। ये तब होता है जब कोई भी जो पानी है वो पेनस्टॉक्स में यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा, तब हम ग्रॉस हेड को जो है इंक्लूड करते हैं। और जो ग्रॉस हेड का जो सिंबल होता है वो होता है HG। जो डिफरेंस होगा हेड रेस और टेल रेस के बीच में, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेड। और ये तब इंक्लूड होता है जब पानी पेनस्टॉक्स में फ्लो नहीं हो रहा, और इसको इसको हम डिनोट करते हैं HG के साथ, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेड। उसके बाद नेट हेड क्या आता है? इट इज डिफाइंड एज द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, इट इज डिनोटेड बाय H। इसको हम बोलते हैं HG-HF। HF क्या होता है? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको हम इफेक्टिव हेड भी बोलते हैं। अब नेट हेड क्या होता है? जब पानी फ्लो होना शुरू होता है यहाँ से पेनस्टॉक्स के जरिए, जब इसका रेजरवायर का लेवल कम हो जाता है वॉल्व ओपन करने के बाद, और जब हम पानी फ्लो करते हैं तब इसमें फ्रिक्शन आनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। यहाँ समझ लीजिए पहले यहाँ तक था पहले हेडरेस, पानी जब यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ तब यहाँ तक आ गया HF। तो ये जो हेड लॉस है जो हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन, ग्रॉस हेड माइनस कितना फ्रिक्शन आया इतना, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट हेड H आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव हेड भी बोलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन। चार तरह की एफिशिएंसीज होती हैं हमारे पास। फर्स्ट होती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, सेकंड होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्ड होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फोर्थ होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर डिवेल्प्ड बाय द रनर ऑफ द टर्बाइन टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब पावर डिवेल्प्ड बाय द रनर क्या होता है? जब शाफ्ट रोटेट होती है टर्बाइन की, उसको हम बोलते हैं रनर, जब वो रोटेट होनी शुरू होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से कितनी पावर प्रोड्यूस हुई उसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। कितने हॉर्स पावर? 746 वॉट के इक्वल होती है, तो हॉर्स पावर के साथ हम उसको लिखेंगे पावर डिवेल्प्ड बाय द रनर, ठीक है। तो ये तब होता है जब शाफ्ट रोटेट होती है टर्बाइन की, उसको हम रनर बोलते हैं। और वेन्स जो है, वेन्स जो बकेट्स लगे हुए हैं उस रनर के साथ, जब वो भी रोटेट होते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है, या पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, जब नोजल लगी होती है, नोजल जब हाई वेलोसिटी के साथ पानी फ्लो होता है एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, तब कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? पावर डिवेल्प्ड बाय द रनर इट ट्रांसमिटेड एट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन। अब पावर जो डिवेल्प्ड हुई है रनर के थ्रू इज ट्रांसमिटेड एट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन, पावर एट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन, ठीक है, शाफ्ट पे कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, और पावर डिवेल्प्ड बाय द रनर, रनर पे कितनी जो है प्रोड्यूस हो रही है। अब रनर हमारे पास है क्या? जैसे कि ये जो है हमारे पास क्या है, शाफ्ट है, ये रोटेट होगी तो टर्बाइन रोटेट होगा। ये क्या है हमारे पास?
एक रनर का काम कर रहा है, जहां पे पानी जो है यहाँ पे फ्लो होगा, शाफ्ट पे कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे कितनी पावर जो है प्रोड्यूस हो रही है, ये जो रेशियो होगी इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टर्बाइन। कहते हैं कि ये जो टर्बाइन है शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन, अब पानी यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है और पानी यहाँ पे रनर पे कितना आ रहा है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। मतलब जो रनर पे कितना पानी स्ट्राइक हो रहा है और टर्बाइन पे कितना पानी जो है स्ट्राइक हो रहा है, सप्लाइड हो रहा है, उस रेशियो को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट लास्ट जो एफिशिएंसी है वो है हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? पावर, इसको डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को, पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन, पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। जो टर्बाइन की शाफ्ट होती है वहां पे कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, या पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, जो टर्बाइन है उसके इनलेट पे कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी को कैसे लिखेंगे? मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है हाइड्रोलिक टर्बाइन्स की, ये अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन जो है लिखी हुई है कि किस टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इम्पल्स टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन, ये टाइप ऑफ एनर्जी से हम क्लासिफाई करेंगे हाइड्रोलिक टर्बाइन्स को। तो पहली होती है इम्पल्स टर्बाइन, फिर होती है रिएक्शन टर्बाइन। पहले हम इम्पल्स टर्बाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रिएक्शन टर्बाइन के बारे में पढ़ेंगे। इम्पल्स टर्बाइन क्या होता है? द टर्बाइन्स इन विच द वॉटर एंटरिंग द रनर पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी ओनली, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स टर्बाइन। कहते हैं वो टर्बाइन जब पानी नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी के साथ एंटर होता है रनर पे, तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स टर्बाइन। द वॉटर इन दिस केस इज थ्रू आउट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। कहते जब पानी हाई वेलोसिटी के साथ नोजल के थ्रू रनर पे एंटर होता है तो उसमें एक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और जो उसका प्रेशर होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। और इस इम्पल्स टर्बाइन में ऑल द अवेलेबल हेड ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इंटू द काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं जितना भी ग्रॉस हेड होता है या हेड रेस होता है, जो हेड की आप बात कर रहे हैं, जितना भी पानी डैम में स्टोर होगा जिस लेवल तक, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, और वो पास होगा थ्रू नोजल के जरिए। और वाटर जो है जब नोजल से लीव करेगा तो उसकी विलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जो हाई विलोसिटी वाटर होती है जो नोजल के थ्रू बाहर निकलता है वो किसके साथ टकराएंगे? जो रनर होगा उसके ऊपर जो बकेट्स लगे हुए हैं वो हाई विलोसिटी वाटर जो है वो बकेट्स के साथ टकराएंगे उस व्हील पे जो लगे हुए हैं, और वो उसमें क्या कर देंगे? एनर्जी स्टोर कर देंगे और वो फिर रिवॉल्व करना, व्हील जो है वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। प्रेशर ऑफ वाटर लीविंग द नोजल इज रिड्यूस्ड टू एटमोस्फेरिक। कहते जब पानी नोजल से लीव करता है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है, लेकिन जब पानी जो है वेन्स पे रोटेट करना शुरू करता है। इम्पल्स टर्बाइन को हम विलोस्टी टर्बाइन भी बोलते हैं और फ्री जेट टर्बाइन भी बोलते हैं। पेल्टन टर्बाइन इसकी एग्जाम्पल होती है इम्पल्स टर्बाइन की। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहते हैं कि जो पानी ये पेनस्टोक्स के जरिए बाहर निकला है, ये जो नोजल से हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकला है, इसको व्हील भी बोलते हैं, रनर भी बोलते हैं। इसमें कहता है कि एक तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और इसका जो प्रेशर होता है पानी का वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, और जब ये बकेट्स लगी हुई है इसमें पानी जब स्ट्राइक करता है और व्हील जो है एयर के थ्रू प्रेशर के थ्रू रोटेट करना शुरू कर देता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पल्स टर्बाइन। अब हम बात करेंगे कि रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है। रिएक्शन टर्बाइन होता है कि इन विच जो वाटर होता है जब एंटर करता है रनर पे,
उसमें प्रेशर एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इम्पल्स टर्बाइन क्या कहता है कि उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जो रिएक्शन टर्बाइन होता है उसमें प्रेशर एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। जब टर्बाइन ऑपरेट होती है विद देयर व्हील सबमर्ज इन वाटर, मतलब जो टर्बाइन है उसके ऊपर व्हील लगा हुआ है और पानी जो है उसमें सबमर्ज हो जाता है जब नोजल के थ्रू स्ट्राइक होता है। वाटर जब टर्बाइन से लीव करता है उसमें प्रेशर एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। कहते जो इनलेट ऑफ द टर्बाइन पे प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है आउटलेट ऑफ द टर्बाइन पे, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम्पल होती है वो होती है फ्रांसिस टर्बाइन एंड कैपलन टर्बाइन। और जो पेल्टन टर्बाइन होती है वो इम्पल्स टर्बाइन की एग्जाम्पल होती है, और जो फ्रांसिस टर्बाइन होती है कैपलन टर्बाइन होती है वो होती है रिएक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बहुत एग्जाम्स में आता है कि रिएक्शन टर्बाइन और इम्पल्स टर्बाइन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो इम्पल्स टर्बाइन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं नोजल के थ्रू। हमने पहले ही कहा है कि इम्पल्स टर्बाइन वो होता है जिसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसमें जो होता है हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में बिफोर द फ्लूइड एंटर्स द रनर। कहते हैं इसमें जो हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में ये तब होती है जब पानी स्ट्राइक कर जाता है रनर ब्लेड्स पे, और इसमें हाइड्रोलिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब कन्वर्ट होती है जब वो उससे पानी रनर पे स्ट्राइक होने से पहले ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे पास पहली डिफरेंस आ गई। इसमें इट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट विच चेंजेस बट द प्रेशर रिमेन्स एटमोस्फेरिक। इसमें हमने पहले कहा है इम्पल्स टर्बाइन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जो चेंज होती है लेकिन प्रेशर जो होता है वो सेम रहता है एटमोस्फेरिक। इसमें प्रेशर और वेलोसिटी दोनों ही चेंज होते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर भी होता है, प्रेशर एनर्जी भी लगती है और काइनेटिक एनर्जी भी लगती है। और हमने एक लाइन अभी पढ़ी थी कि जो प्रेशर होता है इनलेट ऑफ द टर्बाइन ज्यादा होता है और आउटलेट ऑफ द टर्बाइन कम होता है। थर्ड जो है वॉटर टाइट केसिंग इज नॉट नेसेसरी। कहते इसमें केसिंग की कोई जरूरत नहीं होती। केसिंग क्या होता है कि जो पूरे सिस्टम को क्लोज्ड वेसल में कन्वर्ट कर देता है, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें केसिंग की जरूरत होती है। इसमें जो पानी एडमिट किया जाता है मतलब एंटर होता है टर्बाइन में वो सिर्फ जेट्स के थ्रू टर्बाइन होता है, मतलब नोजल के थ्रू होता है। इसमें जो पानी एडमिटेड होता है ओवर द इंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रनर, मतलब पूरे व्हील पे ट्रांसमिट होता है पानी, इसमें सिर्फ जेट्स के थ्रू होता है। इसमें जो फ्लो रेगुलेशन होता है वो डन होता है बाय द नीडल वाल्व जो नोजल के थ्रू फिटेड होती है। इसमें जो फ्लो रेगुलेशन होती है वो सिर्फ गाइड वेन्स असेंबली के थ्रू होती है, इसमें होती है नोजल के थ्रू जो नीडल वाल्व फिटेड होती है। इसमें गाइड वेन असेंबली के थ्रू होती है, इसमें नीडल वॉल्व जो नोजल के थ्रू फिटेड होती है। जो टर्बाइन होती है वो डज नॉट रन फुल एंड द एयर एज ए फ्री एसेस टू द बकेट्स। कहते जो टर्बाइन होती है वो पूरी तरह से रन नहीं करता, और जो इसमें होता है रिएक्शन टर्बाइन में जो पानी कंप्लीटली फिल होता है पैसेजेस बिटवीन द ब्लेड्स वाइल मूविंग इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन डज वर्क ऑन द ब्लेड्स। क्योंकि इसमें जो पानी है पूरे सर्कमफ्रेंस ऑफ द रनर पे मूव करता है, और इसमें जो है टर्बाइन पूरी तरह रन नहीं करती क्योंकि ये पूरे व्हील पे पानी जो है एडमिटेड नहीं होता, ये सिर्फ ट्रांसमिट होता है नोजल के थ्रू और बकेट्स में तक जाता है। इसमें जो टर्बाइन ऑलवेज इंस्टॉल्ड होती है अबव द टेररेस, इसमें कोई ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत नहीं होती। इसमें जो टर्बाइन कनेक्टेड होती है टेररेस से कनेक्टेड होती है थ्रू ए ड्राफ्ट ट्यूब, इसमें ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत होती है। इस टरबाइन को जब हम इंस्टॉल करते हैं वो टेररेस के बिलो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अबव भी कर सकते हैं, इसको सिर्फ अबव करते हैं। थैंक यू।